तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हमने एक कार लाई थी 9,000 वाली, वो जिसको हमने बेचा था $18,000 में। और उससे पहले हमने एक कार को सस्ते में बेच दिया था, जो तो जिसके कारण हमको नुकसान तो नहीं हुआ था, बट थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ था। बट जो हमने दूसरी कार लाई थी तो उससे हमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया था। तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले कार फॉर सेल। तो आज मार्केट प्लेस ओपन है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक महंगी वाली कार लाई जाए, क्योंकि अब हमारे पास है $18,000, तो हम लोग आराम से कोई महंगी वाली कार खरीद सकते हैं। हम लोगों ने महंगी वाली कार लेने की बात क्या कर दी, सभी लोगों ने कार के प्राइस इतने बढ़ा दिए कि हम लोग खरीद ही नहीं पा रहे। मतलब यार, पहले हमारे पास $9,000 थे, तब अठारह हज़ार की कार थी, अब $18,000 है। तो यार इन लोगों ने कार के प्राइस 25-30 हज़ार कर लिए, तो कोई बात नहीं। इधर एक सस्ती गाड़ी मिली, इसको देखते 10 हज़ार में देता है तो ठीक है, वरना इसको $12,000 में हमको खरीदना पड़ेगा। नहीं दी 11 में देखते क्या लगता है कि देगा ये 11 में। ओके 10 में तो इसमें ना पाट दी थी, 11 में देखते। ओके तो ये नहीं दे रहा है, तो हमें फिलहाल इसको $12,000 में ही कार खरीदना पड़ेगा। तो ओके तो हमने ये कार खरीद ली। और ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। ओके तो कोई बात नहीं, जल्दी से इसको चलते लेके चलते हैं, मतलब गैरेज में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये गाड़ी ऊपर से डैमेज है, मैंने देख लिया। और ये क्या, ये ब्लैक क्यों हो रहा है। तो कोई बात नहीं, जो भी लोग चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ये प्यार इसी ड्रिप के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं गैरेज पे, जल्दी से इसको रिपेयर कराते हैं। इसका कलर भी मेरे को चेंज कराना है, क्योंकि यार व्हाइट कलर में गाड़ी कुछ ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है। तो देखते हैं इसको पे कौन सा कलर अच्छा लगता है, तो देख के करेंगे। ओके तो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो ये गाड़ी को हमने रिपेयर करा दिया। और इस पर मैं कलर ग्रीन लगती है, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन कलर में कुछ ज़्यादा ही शाइन आ रही है। ओके तो इसको हमको टो नहीं करवाना है। तो इन्फॉर्मेशन ओके, जीरो डैमेज हो चुकी है गाड़ी, और फ्यूल भी हाफ है और डर्टी हो चुकी है। बट इसमें गाड़ी साफ़ करने का ऑप्शन नहीं आता, तो हम लोग गाड़ी को साफ़ नहीं कर सकते। गाड़ी डर्टी है मेरे को पता है, बट हम लोग इसमें गाड़ी को साफ़ नहीं कर सकते। तो जल्दी से इसको ले जाके पार्क करते हैं अपने शोरूम पे। और इसकी प्राइस हम लोग लगेंगे कम से कम 21,000, क्योंकि हमने इसको ख़रीदा है 12,000 में और हमने इस पर खर्चा किया है 3,000 का, मतलब टोटल हमने खर्चा किया है 15,000 तक। को हम लोग इसको प्राइस 21,000 तो रख सकते हैं, बट कोई ना, हम लोग इसकी प्राइस रख देते हैं 25,000 $25,000 रख देते हैं, मतलब पूरा $10,000 का प्रॉफिट अगर ये गाड़ी $25,000 में बिकी तो। ये क्या हुआ, मतलब नहीं वो क्या अब हो चुका है। तो गाड़ी लग चुकी है सेल पे, देखते हैं पहला कस्टमर कितनी देर में आता है। ओके तो ये अंकल जा चुके, तो देखते हैं कितने के ले रहे हैं। ओके तो ऑलमोस्ट $16,000 की ये लेने के लिए तैयार है, तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं 21 में निकालने की। ओके तो ना बोल रहे तो चल निकल बे, इतने के तो यार मैं ही लाया था 60,000 की तो। ओके तो ये कोट पैंट में आया, ये तो महंगी वाली खरीदे। ओके 60,211, इसको भी देखते हैं 21 में लेता है तो ठीक, पर किसी और को बेच देंगे। यार सूट बूट पहन के आया है यार, थोड़ी तो खुद की तो इज्जत लग रही है। गाड़ी थोड़ी सी डर्टी तो है, बाकी तो यार फ्यूल भी हाफ ही भरा हुआ है। तो इन भाई साहब ने भी ऑलमोस्ट 60,000, इसको 21 में बेच के देखते हैं, नहीं माना चल निकल भाई। यार मतलब कैसे कैसे बंदे आ रहे हैं, 15,000 की तो यार हम ही खरीद के आ रहे हैं और इनको 60 में चाहिए यार। ओके तो ये कोई बंदा आया, बंदा या बंदी कोई बताइए, कोई भी हमें क्या। तो इसको सीधा 20 में बेच के देखते हैं, अगर 20 में ले तो भी ठीक है, हमको $5,000 का तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना, ना होने से कुछ होना ही बेटर है। तो ये हम लोग कुछ नैनो टाइप कार लेके आए, मतलब मिनी कूपर है, नैनो नहीं है थोड़ी सी मस्ती चलती रहती। तो मिनी कूपर को ओके तो ये पीछे भीड़ चुकी है कोई बात नहीं, इसको लगाते आराम से। और इसको तो यार 21,000 में ही बेचेंगे, 21,000 से कम नहीं, क्योंकि यार ये हमने लाई है 13,000 में, तो इसको हम लोग बेचेंगे 21,000 में। तो इस पर हम लोगों ने कुछ खर्चा ज़्यादा कराया नहीं, क्योंकि यार गाड़ी ओके थी पूरी तरह से, सिर्फ हमने $1,000 की गाड़ी को सिर्फ रिपेयर कराया और कुछ ज़्यादा खर्चा हमने कराया नहीं है। तो सीधा सेल पे डाल दिया, देखते हैं अभी पहले सोना पड़ेगा, क्योंकि यार कस्टमर तो अभी आएगा। ओके तो कस्टमर आ चुका है। ओके वो भाई साहब पहला बंदा ही आया जिसने गाड़ी खरीद ली, ले जा पहले चले ले जा। ओके तो इसको गाड़ी बेचते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना, मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।